माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, माननीय हरसिमरत जी मंत्री जी, माननीय अनुप्रिया पटेल मंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी सीमाओं को छोड़ते हुए अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाली सभी असाधारण महिलाएं, मैं सर्वप्रथम आपको मंत्रालय की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये कार्यक्रम माननीय मंत्री जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उनकी सोच पर आधारित है और उनकी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम फलीभूत हुआ है और इसमें कई महीनों से पूरे मंत्रालय के लोग इसमें मिशन मोड में लगे हुए थे और इसमें मैं जूरी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जूरी के मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत ड्यू डिलीजेंस करके विजेताओं का चयन किया है, उनको यहाँ पे हमने इनवाइट किया है, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पे जो हमारी मीडिया का काम जो देखती हैं और उनके अंदर नंदिता और उनके अंदर में जो सोशल मीडिया का जो काम देखते हैं, उनकी भी मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने इसमें आउट ऑफ द वे जा करके और एक्स्ट्रा टाइम दे करके इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के इस काम को अंजाम दिया है। इसमें ITDC अशोक ने इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत अल्प समय में अच्छे स्तर पे किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें जो हमारे सोशल मीडिया के जो पार्टनर्स रहे हैं, खासतौर से फेसबुक इसको कवर कर रही है इस कार्यक्रम को, इसके बाद जो राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होगा उसको भी मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पिछले 4-5 महीने से बहुत उच्च स्तर पे इसकी पब्लिसिटी की है, DD News और ऑल इंडिया रेडियो, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आगे भी इसी तरीके के और कार्यक्रम हम करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आने के लिए और जो महिलाएं हैं, असाधारण महिलाएं, जिन्होंने सभी सीमाओं को लांघ करके आज वो अग्रणी स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में पहुँची हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आप इसी तरीके से मंत्रालय के साथ संबद्ध रहेंगे और मंत्रालय के जो भी काम हैं उसमें विशेष रूप से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका जिक्र हुआ था, उसमें मंत्रालय ने अच्छी प्रोग्रेस दर्ज की है और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले केवल 161 जिलों में ये कार्यक्रम लागू था लेकिन अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया है और शीघ्र ही इसको एक्सपेंशन के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम इस मंत्रालय में हम लोग कर रहे हैं और कोशिश ये है कि महिलाओं का और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और एक देश की भावी जो पीढ़ी है उसको हम एक अच्छा माहौल दे सकें। एक बार आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। वी विल नाउ बी सर्विंग लंच, सो मे आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया पर्सन्स टू काइंडली एंजॉय द लंच एट द फ्रेंडशिप लाउंज। थैंक यू फॉर योर टाइम। फॉलोइंग अ मील, ऑल द फर्स्ट लेडीज एंड गेस्ट विल बी